to all the students of class 4. Students of class 4, welcome in your GK class. So students, today in this class, we are going to study about Know Your Body. Chapter 15, Know Your Body. हम अपने body के बारे में जानेंगे. आप अपनी body के बारे में कितना जानते हैं और जब body के organs जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो वो इस chapter में पढ़ेंगे और हम अपने body के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे body के इस part को क्या बोलते हैं या फिर इस part के अंदर कितने सारे features हैं. Okay. So there are many parts in our body that work together. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो एक साथ काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो है वो हम लोग हमारे बॉडी को क्या देता है, साइन देता है कि हमें ये वर्क करना है. अभी अगर हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम कुछ होता है, हमारा सर दर्द करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे आँख में भी दर्द होता है, हमारे कान में भी दर्द होता है. तो इस टाइप से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक साथ वर्क करते हैं. ओके, मेरी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर मेनी पार्ट्स इन आवर बॉडी दैट वर्क टुगेदर. हमारे बॉडी के अंदर ऐसा बहुत सारा पार्ट्स होता है जो एक साथ वर्क करता है. अगर एक पे अफेक्ट होता है तो दूसरा भी अपने आप अफेक्टेड हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन. ओके, आप चैप्टर 15 बुक का ओपन करके देख सकते हैं. सबसे पहला है, यू मे फाइंड इट व्हेन यू स्माइल. सबसे पहला हमने तुमको यहाँ दिया है कि हमारे बॉडी पार्ट का ऐसा कौन सा अंग है जब हम स्माइल करते हैं तो ये हमें मिलता है. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कठोर जो बॉडी पार्ट है, जो सबसे कठोर जो बॉडी पार्ट होता है वो ये होता है. और जब हम स्माइल करते हैं तो ये हमें दिखता है. तो सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, टूथ. टूथ क्या है? दांत. जब हम स्माइल करते हैं तो ये दिखता है और ह्यूमन बॉडी का ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. सेकेंड, यू डू दिस व्हेन यू कैच अ कोल्ड. जब हम तुम ये काम कब करते हो, जब तुम्हें सर्दी या खांसी या बुखार हो तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके. जब हमें कफी होता है, सर्दी खांसी होती है, तो हम ऐसे ऐसे करके खांसते हैं तो उसको हम लोग कफिंग कहते हैं और ये वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं. ओके, थर्ड नंबर, आई एम द लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. मैं जो हूँ वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हूँ. क्या हूँ? आई एम द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन इन द बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन मैं ही हूँ और मेरा नाम है लीवर. ओके, डी नंबर है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी लाइज हियर. स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा हड्डी, सबसे छोटा हड्डी यहीं पे पाया जाता है. तो ये है स्टेक्स, जो कान के पास पाया जाता है. ओके, ई नंबर है, आई हैव 29 मेजर एंड माइनर बोन्स एंड 34 मसल्स. तो मैं कौन हूं? तो हैंड. इसका आंसर क्या होगा? हैंड. लास्ट नंबर कह रहा है, द फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स गैस. मैं जो हूं वो पूरे बोन का एक फ्रेम वर्क हूं. मेरे ऊपर ही मसल्स आते हैं तब किसी भी इंसान का बॉडी अट्रैक्टिव लगता है. बट इनसाइड मैं किसी भी ह्यूमन का क्या हूँ? एक फ्रेमवर्क, एक बॉडी को तैयार करने के लिए एक जो ढांचा होता है वो मैं हूँ. ओके, और मैं बोन्स से बना हुआ हूँ. तो ये क्या होगा? और स्केलेटल सिस्टम, वो जो हड्डी का एक पूरा पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है फ्रॉम हेड टू टो, और उसके ऊपर ही मसल्स आते हैं. और ये बोन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बोन ही नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा कोई भी जैसे हाथ वगैरह हो जाएगा, कहीं टूट जाएगा, कहीं भी कुछ हो जाएगा, बोन हम लोगों को स्टैंड और स्ट्रांग रखता है हमेशा. तो ये फ्रेमवर्क है अपने बोन का और इसको कहते हैं स्केलेटल सिस्टम. तो स्टूडेंट्स, इसमें 6 ही है आज तक है चैप्टर हमारा, तो नो योर बॉडी. हम अपने बॉडी के बारे में कितना जानते हैं? तो आप लोग इसमें से बहुत सारी चीजों के बारे में जानते ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्माइल एंड आई एम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी. टू यू यूज मी व्हेन यू हैव अ कोल्ड और फीवर. तो कॉफी,
आई एम द लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर मैं सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हूँ और सबस्टांस हूँ. ओके, तो लीवर. आई एम द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी लाइक हेयर. तो स्टेप्स, आई हैव 29 मेजर एंड माइनर बोन्स एंड 34 मसल्स. एंड द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड व्हाट? स्केलेटल सिस्टम. ओके, सो ये तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ. एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, आपका ये क्या है, होमवर्क है यहाँ पे, ये आपको इसको कॉपी में नोट करके लर्न करना है. राइट एंड राइट एंड लर्न चैप्टर 15. ओके, एंड आई होप आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी है. ओके, एंड इसको आपको कॉपी में सुंदर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है और इसको लर्न करना है. ओके, कंप्लीट योर होमवर्क एंड नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स.